पहले भक्ति पूरी होनी चाहिए या पहले राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म होना चाहिए? पहले तो भक्ति पूरी हो, फिर बच्चे से सालम बुद्धि बने, सालम बुद्धि बने, पुरुषार्थी बने, कंचन काया बनाए, तब संपन्नता हो, फिर राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म हो। तो दुनिया में भट्टी तो चलती रहेगी अंत तक। 2018 में राधा कृष्ण की जन्म होंगी, होगा उसके लिए मुरली पॉइंट क्या? हाँ, मुरली में किस बात से लागू होता है? जब राधा कृष्ण का स्वयंवर हुआ होगा, राधा कृष्ण का जब कोरोनेशन होता है, लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो 18-20 साल के हुए होंगे। बोला है मुरली में वही हिसाब से 18 साल घटा दिए, 36 से 18 साल है, 2018 आकर। बाबा, जब राम वाले आत्मा नारायण बनते हैं, तब परंधाम आना जाना करते हैं, कर सकते हैं? नारायण कैसा जो बनते हैं वो भी कर सकते हैं क्या जी? जो जो बनते जाते हैं वो भी आना जाना कर सकते हैं, उद्योग से आना जाना कर सकते हैं? आप भी कर रहे हैं अभी, कोई अल्पकाल के लिए और कोई जितना चाहे उतने काल के लिए। 18 साल हुए होंगे कहा ना, जो मुरली तो शिव बाप ने चलाया, तो सारी बहुत बातें ऐसे है, हो सकता है एक्यूरेट नहीं बताते हैं। क्यों? अप्रोक्सीमेट बताते हैं। वही क्यों, शिव बाप को तो एक्यूरेट जानता है ना, नहीं तो फिर अगर वो एक्यूरेट बतावे तो, जैसे विनाश की बात है, विनाश की बात एक्यूरेट बतावे किस तारीख को होगा, किस टाइम पे होगा, तो डेट कॉन्शियस हो जाएंगे। तो बच्चों को होमवर्क नहीं रहेगा? जी हो गया है, अभी है। हाँ, एग्जामिनेशन नहीं चल रहा है अभी बाबा, आज तक प्रत्यक्ष हुए ना, तो फाइनल एग्जाम चल नहीं रहा है अभी, अभी तो बोला आप व्यक्तवाणी में कि लेट का बोर्ड लगा है, आप व्यक्तवाणी में बोला कि नहीं, लेट का बोर्ड लगा है, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, तो फाइनल पेपर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? है? जो समझते हैं नहीं हो रहे हैं वो आले बेले चल रहे हैं, होगा तब देखा जाएगा। टू लेट के बोर्ड अभी लगा तो नहीं है कि भाई अर्षदेव में कोई नहीं आ सकता, लेट का ही तो बोर्ड लगा, अब लेट हो गए। ले लो ले लो, राम वाले आत्मा को पैंदम जाने के आने के दर्द क्या है? राम वाले आत्मा को पैंदम जाने के और आने के दर्द क्या रहता है? माने माने संकल्प चलाता रहे, बाप समान स्टेज में धारण न करे, तो कर सकता है, तो निराकारी स्टेज हो गई, निसंकल्प स्टेज हो गई, तो परमधाम में ही आत्मा महसूस करेगी, शांति महसूस करेगी या अशांति महसूस करेगी? संकल्प चलाया माना, संकल्प इस दुनिया की बात है, नीचे की दुनिया की बात है, और संकल्पों से भी परे की स्टेज हो गई माने निश्चिंत। बाबा जो अष्टदेव है, वो हमेशा बाबा को याद करते हैं, उनके साथ उनका शूटिंग बाबा के साथ ही होता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो आप
माना इतने ऊंच बनते कैसे हैं, याद से तो ना नंबर बार होते हैं तो उनका शूटिंग और आत्मा पसंद नहीं होता। हमारे साथ हो रही होगी तो बाबा उनका तो वो तो सिर्फ बाबा को ही याद करते हैं। थोड़ा थोड़ा तुमको भी याद करते होंगे। थोड़ा थोड़ा अगर तुमको याद करते होंगे तो आप श्रेष्ठ आत्मा हुए ना। क्या हो गया? हाँ अष्टदेव किसी आत्मा को याद कर रहा है उसके साथ हमारी शूटिंग हो जा रहा है, वो नहीं कर रहा है तो हैं हम किसी को याद करते हैं और वो नहीं याद कर रहा है तो दोनों हाथ तो मिले नहीं, ताली बजेगी कैसे, शूटिंग होगी कैसे? एक तो याद करता है और दूसरा याद करता है कोई और को, तो लगाओ कैसे जुटेगा? तो बाबा षट जन्मों में जब वो राजा बनेंगे तो कौन अष्टदेव या कोई भी तो उनकी शूटिंग तो किसी न किसी होगी ना, उनकी रानी तो कोई होगी ना। हाँ तो वो राजा के साथ ज्यादा वफादार रहेंगे, रानी के साथ वफादार नहीं रहेंगे? कोई जरूरी है कि कोई किसी जन्म में युगल बन के रहता है और किसी राजा के राज्य में रहता है तो जो युगल है उसकी उसके साथ वफादारी ज्यादा रहे और राजा के साथ वफादारी ना रहे? ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कोई राजा के साथ ज्यादा वफादार रहे और रानी को वफादारी नहीं रहे। ज्यादा श्रेष्ठ कौन हुआ? जो राजा के साथ वफादारी रखे वो ज्यादा श्रेष्ठ हुआ। वही होते हैं संबंध को ज्यादा महत्व देने वाले, वो यहाँ संगम युग में भी संबंध को ज्यादा महत्व देते होंगे। और कोई होते हैं विश्व कल्याण को महत्व देने वाले, संबंध को महत्व नहीं देते। विश्व कल्याण किसमें है, सारे राज्य का कल्याण किसमें है, इस बात को ज्यादा महत्व देते। तो संबंधों में फंस जाते हैं जिनकी बुद्धि, वो नीचे कुल के हुए, और जिनकी बुद्धि संबंधों में नहीं फंसती, श्रीमत में फंसी हुई है, विश्व कल्याण में बुद्धि लगी हुई है, तो ऊंचे पाठधारी हुए ना। शिव है विश्व कल्याणकारी तो बच्चे भी कैसे होने चाहिए, विश्व कल्याणी होने चाहिए। रावण प्रजापिता वाली आत्मा जो है वो रावण के चंबे में नहीं फंसती कभी क्या है? रावण की मुट्ठी में कभी नहीं आती? आती है। तो लिंग कौन है, कौन है आत्मा जो लिंग के रूप में गाई जाती है? प्रजापिता। हाँ जी, बात से सर्व संबंधों को रखना तो चाहिए। आप क्या समझते थे युगल के साथ रखना चाहिए? बाप से सिर्फ बाप का ही संबंध, बाप से सर्व संबंध, बाप के साथ एक संबंध नहीं, सब संबंधों की रचना बाप से मिले, नहीं तो कोई दूसरा खींच लेगा। जिस संबंध में कमी रहेगा उस संबंध में तड़पते रहेंगे।
तो बाप से अलग अलग संबंध की रचना कैसा लेना है, भाई या भाई दोस्त है? दोस्त फ्रेंड है तो मैं वह माता माता पिता तुम है वह हाँ पिता तुम्हें वह बंद हो सका हाँ तो ये अलग अलग संबंध रचना कैसे लेना है, इसका कैसा फीलिंग करना है? अलग अलग संबंधों की क्या अनुभूति होती है? तीसरा जन्म ली नहीं क्या? तीसरा जन्म लिया है तो संगम युग में वो संबंधों का अनुभव कम है। तीसरा जन्म और आत्माओं के साथ उन संबंधों का रस लिया है या नहीं लिया है? तीसरा जन्म लिया है और आत्माओं के साथ लिया है? लिया। चलो बाप के साथ नहीं लिया होगा तो बुद्धि में बात नहीं बैठेगी। और जिन्होंने बाप के साथ पूर्व जन्मों में तीसरा जन्मों का संबंध लिया होगा तो उनकी बुद्धि में जट बैठेगी। संबंध जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक रचना होगी, हो गया ना, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संबंध वो ही जोड़ेंगे जिन्होंने तीसरा जन्म जोड़ा होगा कि सब जोड़ेंगे है? जिन्होंने बनी बनाई बन रही अब कछु बने नहीं आए, क्या मतलब हुआ इसका? जिन्होंने तीसरे जन्म में जैसा जैसा पार्ट बजाया है वैसा ही संगम युग में अनुभूति करते हैं, या जिन्होंने जिसके साथ जैसा पार्ट बजाया है उसके साथ वैसा संगम युग में अनुभव करते हैं। अकेले बाप के साथ संबंध की अनुभूति की बात थोड़ा ही है। और तो अपनी जन्मों पे जानने के लिए पहले सत्य का पहला दूसरा जन्म वो जानना जरूरी है या पिछले जन्म समझना जरूरी है? अपने जन्मों को जानने के लिए पहले आत्मा की शुद्धि जरूरी है। आत्मशुद्धि, आत्मा पवित्र बनती जाती है और अनेक जन्मों की अनुभूति होती जाती है। आत्मा अगर शीशे जैसी नहीं बनी, शीशा होता है ना तो उसमें पूरा अपना चेहरा दिखाई पड़ता है, अगर गंदा शीशा होगा तो चेहरा नहीं दिखाई पड़ेगा। तो आत्मा भी एक प्रकार का शीशा बन जाए, ट्रांसपेरेंट तो दिखाई पड़ेगा, अपना ही नहीं दिखाई पड़ेगा, संगी साथियों का भी चेहरा दिखाई पड़ेगा। इसलिए मधुबन को कहते हैं आरसी। मधुबन में जो आता है उसको अपना चेहरा भी दिखाई पड़ता है, दूसरों का भी चेहरा दिखाई पड़ता है। सबसे बड़ा आरसी है, सबसे बड़ा शीशा दर्पण है बाप। एक बोला कि तुम पांडव सारी दुनिया स्वर्ग को देखेगी। दुनिया स्वर्ग को देखेगी, कोई अंदर की आंख से देखेंगे, कोई बाहर की आंख से देखेंगे। बाहर से आंख से देखने वालों की संख्या कितनी होगी? 14.5 लाख है। 14.5 लाख तो बाबा ने बोला कि तुम पांडवों का किला ऐसे बन जाएगा जिसमें एक भी भिखारी घुस नहीं सकेंगे। तो 14.5 लाख के अलावा सब भिखारी हुए या निर्भिकारी हुए? तो वो बिना देखे ऐसे ही समझ जाएंगे। नंबर वार बुद्धि के अनुसार समझेंगे उतना नहीं समझेंगे। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो ज्यादा समझेंगे या जो प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं वो ज्यादा समझेंगे? हाँ जी बाबा, ज्ञान लेते ही द्वापर की शूटिंग शुरू हो गई तो सत्य त्रेता की शूटिंग पहले जन्म में हो गया होगा है? ज्ञान लेते ही जब एक एक ज्ञान में आया शुरू में हाँ। उसी समय से द्वापर की शूटिंग शुरू हो गया तो दोनों ही शूटिंग शुरू होती है। सत्य त्रेता की जितना जितना श्रीमत पर चलते हैं उतना उतना सत्य त्रेता की शूटिंग होती है, और जितना जितना रावण की मत पर चलते हैं उतना द्वापर कलयुग की शूटिंग होती है। ऐसे थोड़े ही
कि गिरती कला की शूटिंग होती है, उठती कला की शूटिंग नहीं होती है। शूटिंग में दोनों मिक्स होती है। हाँ जी, जब जैसा स्थिति बनेगी वैसी शूटिंग होगी। त्रिशंकु स्वर्ग नहीं बनाता है, त्रिशंकु उसके कहा जाता है जो एक अपनी ताकत से उसे स्वर्ग में भेजना चाहता है और दूसरा उसको जाने से रोकता है, नहीं जाने देंगे, तो बेचारा बीच में लटक जाता है, न स्वर्ग में रहा न नरक में गिरा। शुरू में आदि में भी ऐसा मिक्स मिक्स शूटिंग होता है, 36 से भी है? 36 में जो भी एडवांस की आत्माएं आए हैं तो पहले पहले जन्म में भी बाप से मिला है हाँ, तो उस समय भी मिक्स शूटिंग चला नहीं चला कुछ, कोई ने बाप को फॉलो किया, कोई ने ब्रह्मा को फॉलो किया, तो शूटिंग नहीं चला। हाँ, राम और कृष्ण है, वो एक के लिए नटराज का गायन है और दूसरे के लिए नटवर का गायन है। हाँ जी, एक तो एक पाँव से नाचता है, दूसरा दोनों टांगों से नाचता है। कौन? कृष्ण है, दोनों टांगों से कहा नाचता है, वो भी एक कृष्ण को भी एक टांग से दिखाया जाता है, नटराज को भी एक टांग से नाचता हुआ दिखाया जाता है, हैं तो दोनों एक ही, अलग अलग है क्या? पर्सनालिटी एक है या दो है? एक ही है। माना एक टांग से नाचने माना है, एक का मत पर चलना। हाँ जी, सच तो बिठो नाच, सच के रास्ते पे चलेंगे तो नाचते रहेंगे, सच्चा एक ही है। एक का रास्ता भी एक ही है।